एक सैलाब है, ये ऐसे नहीं है मंजूर मंजूर मंजूर। ये ऐसे लोग बोलते हैं कि ये किधर से आया, ये किधर आसमान से नहीं आया, ये यहाँ के तमाम जवान, यहाँ के कौम, और ये हमारा सबका नारा है। मैं बरमला कहता हूँ, असेंबली के फ्लोर पे कहता हूँ कि मंजूर मंजूर की आवाज सिर्फ मंजूर की आवाज नहीं है, इसे मंजूर की आवाज ना समझा जाए। लोग मंजूर तक, मंजूर एक गरीब आदमी है, इसको मंजूर इस तरह का रवैया, ये नहीं है कि दूसरे वतन है, हम मुल्क दुश्मन है, हमेशा से ये मुल्क दुश्मन है, ये मुल्क को तोड़ रहे, ये प्लाना कर रहे, ये किधर ये मुल्क के मालिक बने हैं? इस मुल्क के लिए क्या क्या है आप इसके लिए अगर कोई और बोलेंगे तो हर दिन बोलेंगे, बोले आप हर दिन बोलेंगे। ये हमारा हक है, ये असेंबली है, इस असेंबली में हम अपने आवाम को ये पैगाम देना चाहते हैं, अपने लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि भाई पश्तूनों के साथ जुल्म हो रहा है, पश्तूनों का पश्तून का नाम आज इस तरह बन चुका है कि जाकर बस में 50 लोग बैठे होते हैं। पहले तो ये कहते थे कि बस में जाकर तलाशी लेते थे कि भाई इधर कौन है, अभी तो सिर्फ ये कहते हैं कि है बस में कोई पठान। ये अब तक हमारी ख्वातीन का, हमारे लोगों का, हमारे माइंस का, हमारे तमाम चीजों पे कब्जा हो रहा है। इस देखो, इस हुकूमत ने, इस डॉक्टर मालिक ने, इस वजीर आला ने कहा है कि भाई ये जो माइंस है ये वहां के आवाम के, यहाँ पे किसी का हक नहीं है। मगर इस डॉक्टर मालिक जो जमहूरी वजीर आला था, इस असेंबली का वजीर आला था, इस मालिक डॉक्टर का हुक्म नहीं माना गया। ये कैसे हालत है, ये कैसे वो है कि हम अपने असेंबली पे बात करें और लोग इस तरह में नहीं, कोई एक है कि इधर कोई घबरा जाएगा। रास्ते बहुत है, इतने रास्ते हमारे साथ, हमारे साथ ऐसे ऑप्शन है कि हम अगर वो ऑप्शन, देखो हमें दूसरे ऑप्शन पे कोई नहीं मजबूर करे। इनके कह रहे आज कहते बस आइंदा ये आदमी आएगा, ये आएगा, मेरा ये मन पसंद आएगा, ये असेंबली में, ये असेंबली ऐसी नहीं चलेगी। इस तरह से बिकाऊ माल नहीं समझे। हमने अपनी कौम के लिए, अपने वतन के लिए हमने यहाँ सियासत की है, हमें स्टूडेंट लॉ से लेकर हमारी पार्टी, हमारे कारकुन, हमने कुर्बानियां दी है। आप लोग कहते नहीं, खराब तरीके से लोगों को बुलाते हैं, इधर सेनेट की बात होगी, यहाँ पे आज जो असल बिजंजो ने कहा, मैं असल बिजंजो का इमान करता हूँ, उसने कहा है कि मैं मुंह काला किया है, मुंह काला नहीं हुआ है, अल्फाज जो है हंस कर दिए, अपने भूख काला किया है उन्होंने, भूख का है, गलत किया है, गैर पार्लिमानी शरीर के मुताबिक वो शरीर को बेचा है। आज ये साबित होगा कि कौन जमीन बेचता है और कौन अपने जमीन के लिए लड़ता है। हमें लड़ना भी आता है, हमें ऐसे कमजोर कोई नहीं समझे, हमें एम्बुलेंस इलाकर कोई नहीं बुला सकता है। हमने अपने कौम के लिए, अपने तारीख के लिए, अपने वतन के लिए हमने ये ईमान कहता हूं, कसम खाकर कहता हूं कि इस जिंदगी से मौत बेहतर है। आज भी वजीरिस्तान में लोग ये कहते हैं कि या ला क्या मत लो, जो लोग क्यामत के लिए तरस रहे हैं, क्या मत ना मौत, क्या मत ना आग, क्या मत ना हिसाब, आज लोग क्या मत मांग रहे हैं और लोग नहीं समझ रहे हैं कि भाई ये लोग क्या कह रहे हैं। आज हमारे बाप के लोग हंसते हैं, आज हमारे बाप को लोग नहीं सुनते हैं, आज कहते हैं कि भाई बाबा गलत है, पश्तूनख्वा गलत है, कौमी तेरी गलत है। तो मैं यहां आज आवाज से कहता हूं, सब लोग सुने, मजदूर पश्तून जिंदाबाद। मैं इस बात से कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा।
सकता है। बड़ी मेहरबानी।